रहेगा ना, बाकी सारे बंद कर। क्या पापा बोलते ठीक बने? अम्मा खा के टेस्ट करने लगी। ये देखें, रात को लगाने की वजह से ये देखें इतना ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है कि हाथ से टूट रहा है। और अब बारी बारी, पहले हम लोगों ने आपके पास आना। आजा आजा आजा। वेलकम टू माय चैनल अनम गुड लाइफ। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग करने लगे हैं बारबेक्यू। कब से सोचे थे आज करते हैं और कल करते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, और गर्मी तो खराबी भी नहीं खत्म हुई। हमें लगा था कल बारिश हुई है तो आज जो है उसका तोड़ थोड़ा गर्मी का टूट जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और गर्मी वैसे की वैसी ही है। तो लेकिन खैर, हम लोगों ने कहा कि हम लोग कर लेते हैं और हमने मसाला वगैरह सब लगा लिया है। वो मैंने रात को ही हम लोग लगा लिया था। तो जो जो कुछ इसमें बीफ को तो हमने रात को लगा लिया था, क्योंकि आप जितनी देर ज़्यादा बीफ को लगाओगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा यानी कि बन जाता है। और आप बिलीव करेंगे, मैंने वीडियो इसके बाद में लगाऊंगी तो वो वीडियो में आप देखिएगा कि अब उसको रात का लगा हुआ था ना मसाला, तो इसलिए वो उसको हाथ लगाते थे तो वो अच्छी तरह से यानी कि वो बिल्कुल जैसे टूट नहीं रहा था हाथ से, तो वो अभी से टूट रहा था। यानी कि हम उसको थोड़ी देर ही करेंगे तो वो बन जाएगा। और जो चिकन था उसको हमने सुबह लगाया, और जो मसाला था उसको रात को दही नहीं लगाया, क्योंकि दही जो था ना वो पानी छोड़ता था, वो हमने सुबह लगाया था। और चिकन जो था उसको भी हम लोगों ने सुबह लगाया था, क्योंकि वो तो जल्दी हो जाता है। तो और हम जो है वो मामा की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके करेंगे। तो चलो चलते हैं और वहाँ चल के मिलते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये गोश्त है और अब हम इसको मैरिनेशन लगाने लगे हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करने लगे हैं सिरका, देन इसके अंदर हम लोग डालेंगे मसाला। मसाला हम उसके अंदर ये वाला ऐड कर रहे हैं, ये दो ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग लहसुन अदरक डालने लगे। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करने लगे। अब ये हम लोग इसको पूरी रात के लिए रख देंगे और साथ में इसमें दही लगाना, लेकिन वो हम लोग सुबह लगाएंगे तो फिर वो पानी छोड़ जाता है, तो इसलिए इसको ऐसे ही लगा के तो अब पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। अम्मी बाहर गई थी तो ये सामान लेके आई हैं, ये केले और ये जो खुरमानी, अंगूर और ये पुदीना और खीरे वगैरह, और ये मसाले का सामान है, और ये चिकन, और साथ में ये है ये बोनलेस है, और ये जो हड्डी वाला इसलिए लग कर दिया, और ये दही। और अब हम इसको ना चिकन को भी मसाला लगाने लगे। ये लहसुन अदरक कम था तो हम लोग और बनाया। अब हम लोग चिकन को मसाला लगाने लगे हैं। अब हम ये मसाला लगाने लगे हैं इसको। अब साथ में अजवाइन डालने लगे हैं और अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में इसमें सिरका ऐड करने लगे। और ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए ना फ्रीजर में रख देंगे। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया ताकि ना अच्छी तरह से ना सबको मसाला लग जाए। और अब इसको हम 6-7 घंटे के लिए छोड़ दें। अब मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि मैंने रात को ही ना जो हम लोगों ने रात को मसाला लगाया था उसको मैंने ऊपर फ्रिज में रख दिया था ताकि ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसको निकालने लगी। अभी मैं ऊपर से ले आई हूँ, उसको हम लोग लगाने लगे हैं दही, क्योंकि रात के टाइम दही नहीं लगाया था इसलिए, क्योंकि उसमें पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हम लोग अब लगाने लगे हैं। अब इसमें दही ऐड करते हैं। और चिकन को हम लोगों ने दही नहीं लगाया, उसे लगाने की जरूरत नहीं थी, तो उसको अब लगाने लगे। दही में हम लोगों ने थोड़ा सा मसाला ऐड कर लिया ताकि ना, क्योंकि ये रात के टाइम तो ज़्यादा लग रहा था लेकिन अब कम लग रहा है, तो हम लोगों ने कहा और ऐड कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ में हम लोग इसमें अजवाइन ऐड किया और साथ में ऑयल, तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको पर लगाने लगे हैं। इसको पर लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये देखें, रात को लगाने की वजह से ये देखें इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है कि हाथ से टूट रहा है।
तो जब हम इसको करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हम लोग बॉक्स बना रहे हैं लेकर जाने के लिए, तो एक बॉक्स ये बन गया और जो दूसरा बॉक्स है ना वो चिकन का जो हमने अभी लगाया ये हम लोगों ने बॉक्स में पैक कर लिया और इसको तो हम लोग ऐसे ही बॉक्स पैक हो गए और अब मैंने फ्रिज में रखने लगी। यहाँ पर भाई कोयले लेने के लिए गया हुआ क्योंकि जो कोयले थे ना वो घर पे खत्म हो गए थे। हम लोग पहुंच गए, हम लोग मामा की तरफ पहुंच गए हैं लेकिन अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट करके तो फिर बनाएंगे क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं, सबने रात के टाइम में डिनर नहीं करना तो इसलिए दौड़ खाना सब रेस्ट करके तो फिर बनाएंगे। आहिल आपी के पास आना, आजा 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 आजा। कहाँ से आ रही हो आयरा? मामू ने सीजन लेके दिए हैं, दिखाओ। वाओ इतनी ज्यादा अहिल की भी है कि सिर्फ आपके हैं? अच्छा चलो ठीक है। मामा इधर सबके लिए चाय बना रही हैं, चाय के साथ मामा ने सबके लिए शामी कबाब बनाए। अब मैं चाय लेके जाने लगी हूँ सबके लिए। आहिल आहिल ऊपर देखो मेरा बेटा, वो मेरा से ज्यादा, वो मेरा से ज्यादा, ऊपर देख इधर इधर आप इधर इधर देखो ऊपर 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 ओए ऊपर, वो मेरे से ज्यादा ऊपर देख ले राजा, ऊपर देख ले और देख ले मेरा से ज्यादा। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करने लगे हैं क्योंकि बनाते हुए भी टाइम लग जाता है तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बाहर कूलर ऑन कर लिया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी तो इसलिए बाहर कूलर लगा लिया। अंगीठी रख लिया और अब उसके ऊपर हम लोग कोयले जो थे ना वो भी रख लिया और सेट कर रहे हैं बस। अब बस आग जलाने लगे हैं उनको, यहाँ पे सीखों पे लगा रहे हैं बोटलों को। हमने एक शॉपर रखा और शॉपर से ना ये देखने जलने लग गया। हमें लगा था कम टाइम काफी टाइम लगता है लेकिन ना आज जो है ना वो जल्दी हो गई है सिर्फ एक शॉपर के साथ। इतनी हमने लगा लिया और अब बारी बारी, पहले हम लोगों ने पहले बीफ को कर लेते हैं बाद में चिकन करेंगे क्योंकि चिकन तो पहले हो जाता है ना तो इसलिए पहले हम लोग बीफ को करेंगे। भाई बना रहे हैं और पहले ये अच्छी तरह से आग जो है जल जाएगी इनको तो फिर हम ऊपर रखें। ये देखें आग माशाल्लाह से बन रही है, हम बारी बारी ऊपर रखने लगे। यहाँ पे ये बन गई है और अमृत आ रही है, अभी पहली आई है और सबने खा के चेक करना शुरू कर दिया और हमने भी खा के। अभी कैसे बनी है? और अब मैं भी टेस्ट करने लगी हूँ। बहुत गर्म है तो वाओ, और ये वाली मैं खाने लगी हूँ। ओ मुझे नजर लग गई मेरी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब मैं खा के टेस्ट करने लगी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बंदर हम लोग चटनी बनाने लगे, अब हम उसमें दही ऐड करने लगे। ये देख लो दही हमारा तैयार होगा, इसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरह से बन जाए। ये मैं पापा के लिए लेके आई हूँ, मैंने पापा खाए और बताएं कैसे कैसा बना। थैंक यू बेटे, थैंक यू थैंक यू। हाँ मेरे साथ आके बेटे आरा, मेरे साथ खा लो, बोल खा रहे हो, बोल बोल बोल।
पापा ठीक बने? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत गुड। हाँ। और आयरा आपको? अच्छी है। अच्छी है, चलो सही है, खाओ फिर। ये बन गई है और मैं लेके जाने लगी। हम लोग साथ साथ खा रहे हैं। ये लो मुझे उतार दो ये। चलो ठीक है। अब ये नहीं ऊपर रखने लगे। ये लो ये आपके लिए है, ये खाओ, ये चिकन वाली है, खाओ। अहिल वो खाओ। इनको हमारे थोड़ा रह गया और ये चिकन आना आप चिकन पे लगा रहे हैं। वो हो गए हैं, बच गए रह गए हैं। ये चाम की हमने, अम्मी कह रही बहुत अच्छी डली, ये चाम वाली थी तो हमने इसको भी लगा लिया। हमारे टेस्ट कर दी, हम सब ने अपने अपने एक पकड़ लिया और हम सब खा लिया। ये चिकन की बन गई है और हम अंदर लेके जा रहे हैं। मतलब बोटल मैं तो फुल हो चुकी हूँ और बीफ से ज्यादा मुझे चिकन की रोटी ज्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि वो ये गल दोनों गई थी लेकिन ज्यादा टेस्ट अच्छा जो था ना वो चिकन का था। ये अम्मी और सिस्टर लगा रहे हैं। ये देखें ये बन गई और मैं ये पकड़ाने जा रही हूँ। ये ले भाई लगा दे, रख दे। बाकी सब भाई ने बनाया और ये लास्ट में एक रह गया था तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। बस ये रह गया, बाकी सारे बन गए। हमारा काम कंप्लीट हो गया था तो हम इसको बंद कर रहे हैं, सब बुझा दिया हमने। माचा अब हम सब चाय पीने लगे हैं। ये देखिए हमने सफाई वगैरह सारी कर ली भी है। हम लोग आपके सामने तीन बॉल लेके आए थे लेकिन दो बॉल्स हमने बनाया और एक जो बीफ का बॉल था ना वो नहीं बनाया क्योंकि सब फुल हो चुके थे, तो इसलिए जो इंसाना हम लोगों ने साथ नान का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमें पता था अगर नान खा लेंगे ना फिर तो हमसे बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, तो इसलिए जो इंसाना मसाला से सब लोग थे तो सब ने एक बॉल पूरा बच गया तो हमने कहा उसका सालन बना लेंगे। और आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।